हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकीवल। दोस्तों, आपको अक्सर एग्ज़ाम में या तो रियल लाइफ में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिल जाते होंगे कि इसका कितना परसेंट ये होगा। जैसे बोल देगा कि 40 का कितना परसेंट 25 है, या 10 का कितना परसेंट 20 है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर दिखते होंगे ना कि व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 25, मिलते हैं ना। और मैं जानता हूँ कि आप इसको सॉल्व भी आसानी से कर लेते होंगे, लेकिन फ्रेंड कभी कभी आपको ये डाउट भी होता होगा ना कि कब कौन सा ऊपर रहेगा, कब कौन सा नीचे। क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है, और उसमें कब हमें कौन सा न्यूमरेटर बनाना है, कौन सा डिनोमिनेटर बनाना है, यही कन्फ्यूजन होती है ना आपको भी। तो इसीलिए फ्रेंड आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होने वाली है, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड जब कभी हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना, हमें कुछ नहीं करना है, बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है। दो चीज़ें क्या, मान के चलिए एक ही चीज़ है, बस दोनों आपस में उल्टा है। अगर एक याद रख लिए दूसरा नहीं याद रखना है, दूसरा याद रख लिए तो पहला नहीं याद रखना है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ अगर इंग्लिश में लेके चलते हैं, मैं पहले इंग्लिश में बताया फिर आपको हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले इंग्लिश में, तो फ्रेंड जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ना तो हमें कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि इज़ के बाद कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखिए इज़ है, इसके बाद क्या है 18 सेकंड, तो ये 18 सेकंड जो है यही हमारा न्यूमरेटर होगा, यही हमारा अंश होगा, ठीक, ऊपर सबसे यही रहेगा। और जो इस अब ये ऊपर हो गया तो इसके अलावा जो बचेगा वो तो नीचे ही हो जाएगा, कॉमन सी बात। इसलिए ये 15 घंटा और ये हमारा नीचे होगा, 18 सेकंड ऊपर 15 घंटा नीचे, समझ में आया। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इज़ की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा तरीका है ऑफ़ की हेल्प से फाइंड करेंगे, ठीक। ऑफ़ की हेल्प से क्या है कि ऑफ़ के बाद जो रहेगा, जैसे यहाँ 15 घंटा वो नीचे रहेगा, ऑफ़ के बाद जो रहेगा वो नीचे मतलब डिनोमिनेटर रहेगा, और बाकी जो दूसरा बचेगा वो ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो ये दो तरीके हैं, या आप इज़ लेके चलिए या ऑफ़ लेके चलिए। लेकिन फिर ये तो बात हो गई इंग्लिश में, अगर हम हिंदी में जानना चाहें तो कैसे करेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल था। फिर हिंदी में हमें क्या करना है, बस का ध्यान रखना है, जहाँ से ऑफ का मतलब क्या होता है, का ही होता है ना, तो यही का ध्यान रखना है। इंग्लिश में तो हमारा दो था, इज़ या ऑफ़ लेके चलिए, हिंदी में थोड़ा लिमिटेशन करते थे, एक ही ध्यान रखिए। क्या रखना है कि का, तो का दिखे ना, तो का के पहले जो चीज़ रहेगा वो नीचे रहेगा। जैसे यहाँ 15 घंटे है ना, तो 15 घंटा नीचे रहे, और का के बाद जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, जैसे 18 सेकंड ऊपर, बस यही फ्रेंड बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बस आप इसको ध्यान में रख लीजिए, आपको कभी कोई डाउट भी नहीं होगा। वैसे भी क्वेश्चन पढ़ के भी हमें समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि हम थोड़ा डाउट में आ जाते हैं, तो उसके लिए ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है, ठीक। तो यहाँ से आपने पता कर लिया कौन सा ऊपर कौन सा नीचे रहेगा, तो अब इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड सॉल्व करने से हम डायरेक्ट अब यहाँ से काट कूट के नहीं कर देंगे, परसेंट निकाल देंगे इनटू मल्टीप्लाई करके, क्योंकि फ्रेंड यहाँ ये सेकंड में और ये आर में है ना, घंटे में है, तो इसको पहले हमें दोनों सेम टाइप में करना पड़ेगा ना, तो पहले इसको सेम कर देते हैं। तो सेम करने के लिए हम 18 सेकंड को तो छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आसानी से सेकंड में ही है, हम 15 घंटे को सेकंड में कर लेते हैं। तो 15, अब जानते हैं एक घंटे में होता है हमारा 3600 सेकंड, तो ये हो गया इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 घंटे में इतना सेकंड हो जाएगा हमारा। अब इसमें इंटू 100 कर दीजिए, तो यही हमारा परसेंटेज होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस कट गया, अब 18 दूनी 36, दैट मीन्स 1/30% होगा हमारा, 18 सेकेंड 15 घंटा का, 1/30 होगा हमारा आंसर, दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा कटेगा, समझ में। अब चलिए फ्रेंड इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे कि ये ट्रिक हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 5.6 kg इज 140, कुछ नहीं, इसके बाद जो है 140 उसको ऊपर लिखो, अपॉन में 5.8 लिखो। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ ये ग्राम में है और यहाँ ये केजी में है, ठीक। तो पहले हम दोनों को ग्राम में कर लीजिए या दोनों केजी में, तो हम दोनों को ग्राम में कर लेते हैं, क्योंकि ग्राम में रहेगा आसान रहेगा, इस नीचे वाले में बस हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा, और ऊपर वाला करेंगे डिवाइड करने के बाद तो वही हो जाती है, बस थोड़ा आसान हो जाता है, सोचने का तरीका है। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम में हो जाएगा। अब इनटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो जानते हैं कि जब कभी परसेंट निकालना होता है तो रेशियो के फॉर्म में लिखो, उसके बाद इनटू 100 करो, तो वही परसेंटेज हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया, अब इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये कट गया, यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो मतलब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जीरो चल जाएगा, एक से एक कट गया, अब 1456 होता है, 4 आ गया, ऊपर 10/4 बचा, दैट मीन्स ये हुआ। अब 2 से काटो 5 आ जाएगा, 2 से काटो 2 आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2.5। तो 1 फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है, समझ में आया ना फ्रेंड। और नहीं हिंदी में आप सोच रहे होंगे कि हिंदी वाला नहीं पता है, हिंदी में भी देख ली, का के पहले क्या है 5.6 किलो, का के पहले 5.6 किलो, तो इसीलिए का के पहले जो रहता है वो नीचे रहता है, मैंने आपको बताया था, और का के बाद क्या है 140 ग्राम, तो ऊपर।
तो ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट फ्रेंड वही है हमारा, बाकी आप कैसे भी सोच सकते हैं। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप इज के लिए हेल्प से कर सकते हैं या ऑफ के हेल्प से भी कर सकते हैं, और हिंदी में तो आप बस कार ढूंढिए कहाँ है हमारा कार। ठीक, अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। अब यहाँ देखिए फिर, ये तो थोड़ा बहुत सीख है लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को डाउट हो जाता है, तो इसलिए कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, किसको निकालेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, तो उसके लिए हम क्या है, 30% ऑफ ए जब ऐड किया जाता है 40% ऑफ बी के, तो ऐड का मतलब प्लस साइन, 40% ऑफ बी। अब मैंने आपको पहले बता दिया ऑफ का मतलब इनटू होता है, तो यहाँ हर जगह हमारा इनटू रहेगा। ठीक, ये किसके बराबर है, 80% ऑफ बी के बराबर है, 80% ऑफ बी हो गया। ठीक, अब फ्रेंड मैंने आपको पहले ही वीडियो में जो हमने बेसिक वीडियो किया था वहाँ बताया था ना कि आप जो कुछ कॉमन परसेंट है उसको याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे आप जल्दी से याद भी कर सकते हैं, तो वही तरीका यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/10, 30% इक्वल टू 3/10 ए, इसी तरह 40% इक्वल टू 2/5 ए बी, क्योंकि यहाँ पे बी है ना, तो इसी तरह 80% जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4/5 बी। ये हो गया, अब ए यहाँ पे है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, तो इसको इस साइड से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए, दैट इज 3/10 ए इज इक्वल टू, ये जाएगा इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम ही है 5/5, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 2/5 बी बचेगा। अब यहाँ 5 से 10 कट गया तो 2 आ गया। अब फ्रेंड यहाँ तक तो हमारा हो गया, अब डाउट आता है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, तो हम क्या फाइंड करें, ए इज टू बी फाइंड करें रेशियो में कि बी इज टू ए फाइंड करें, डाउट हुआ ना। तो कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है, इस के बाद क्या है, बी है, तो बी ऊपर रहेगा, दैट मीन्स बी ऊपर, तो ऑफ कोर्स ही बात है ए जो बचा है वो नीचे हो जाएगा, दैट मीन्स हमें रेशियो का फाइंड करना है, बी बाई ए फाइंड करना है। तो यहाँ हमें इक्वेशन मिला हुआ है, यहाँ से हम बी बाई ए फाइंड करेंगे कितना आएगा, कर लेते हैं बी इधर रह जाएगा, ए इधर चला जाएगा, तो ये 2 इधर जाएगा, दैट मीन्स 3/4 हो जाएगा बी बाई ए। तो यही कर दीजिए, तो 3/4 अब इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, तो 100 है तो काट दीजिए, ये 25 हो जाएगा, तो 25 × 75, दैट मीन्स 75% हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमेशा हमारा ऐसे ही रहेगा, ऑफ इज दोनों साथ में दिए रहेंगे, लेकिन फ्रेंड कभी कभी क्वेश्चन हमारा ऐसे भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि हमारा इज के पहले आ गया है, तो हम क्या करेंगे, क्या फिर भी अब हमारा ये नीचे ऊपर ही रहेगा, तो हम फ्रेंड ऐसे नहीं कह सकते, अगर इसके पहले है तो हम कुछ नहीं कह सकते, कभी ऊपर कभी नीचे भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके बाद है तो हम हमेशा कहेंगे कि वो ऊपर ही रहेगा। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम बस ऑफ देखेंगे, जब इज हमारा नहीं काम कर रहा है तो ऑफ देखिए, और जैसे हिंदी में देखिए तो का है ना, तो का के पहले वाला जस्ट मैंने बोला था, जस्ट पहले वाला मतलब का एक्स लेंगे, तुरंत पहले कौन सा है एक्स, उसके बाद वाई है ना, इसलिए एक्स लेंगे, और का के जस्ट पहले वाले को हम नीचे लिखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पहले एक्स लिखेंगे फिर ऊपर वाई लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो यही हमारा परसेंट होगा। ठीक, तो ये तो हमारा फ्रेंड तरीका हो गया, बेसिक तरीका, लेकिन फ्रेंड ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शानदार ट्रिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे बिना ये सब किए हुए, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स किए हुए। ठीक है ना फ्रेंड, इसीलिए आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नई ट्रिक के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।